बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इननेट इम्यूनिटी के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पहला पार्ट जो कि जिसके अंदर फेगोसाइटोसिस को हमने डिस्कस किया है, वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के बाकी कंपोनेंट्स रह गए थे, नेचुरल किलर सेल्स, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और इंटरफेरोंस, जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इननेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक इसलिए हैं कि इसके अंदर किसी भी किस्म के वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो हमारी बॉडी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो उसको किल करने की कोशिश करेंगे, उन बैक्टीरिया या वायरस को। और अगर हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाती है तो फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस उस वायरस या बैक्टीरिया को किल करेंगे। सो नेचुरल किलर सेल्स, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और इंटरफेरोंस, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के। बट ये कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ये बात याद रहे। सो नेचुरल किलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो हमारे WBCs के अंदर लिम्फोसाइट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर से टी सेल्स और बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट जो हैं, इन दोनों का जो फंक्शन है वो हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने सिर्फ ये समझना है जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर से नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो दूसरे सेल्स को किल करते हैं, ऐसे सेल्स जो कैंसरस सेल्स होते हैं या फिर वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। इसीलिए इन नेचुरल किलर सेल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब एक सेल के अंदर टॉक्सिसिटी भर जाती है, जब एक सेल इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर टॉक्सिक मॉलिक्यूल भर जाते हैं, तो वो सेल साइटोटॉक्सिक हो जाता है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को ख़त्म करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, इस वजह से इनको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है। सो ये अटैक करते हैं ऑन वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल्स ऑफ द बॉडी। तो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स का मतलब ये है कि जब सेल के अंदर वायरस का अटैक होता है तो सेल जो है वो वायरली इन्फेक्टेड हो जाता है। और कैंसरस सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होती है। वैसे बेसिकली एक सेल के अंदर माइटोसिस होती है या फिर मियोसिस की डिवीज़न होती है, जबकि कैंसरस सेल्स ऐसे खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं जब उनके अंदर नॉर्मल डिवीज़न नहीं होती, उनके अंदर एबनॉर्मल डिवीज़न हो जाती है। तो इस तरह से जो सेल्स बन जाते हैं उन सेल्स को कैंसरस सेल्स कहते हैं। और अगर इन कैंसर सेल्स को ख़त्म नहीं किया जाए तो हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है। तो इसलिए इन कैंसरस सेल को किल करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो इन कैंसरस सेल्स को ख़त्म करते हैं। सो ये एक नेचुरल किलर सेल है जिसके अंदर से परफोरिन प्रोटीन्स रिलीज़ हो रहे हैं। परफोरिन एक प्रोटीन है जो कैंसरस सेल्स के अंदर पोर बना देते हैं, यानी कि उनके अंदर होल बना देते हैं, पोरस कर देते हैं उनको। परफोरिन यानी कि परफोरेटेड, परफोरिन प्रोटीन का नाम जो है वो परफोरेटेड से निकला है। परफोरेटेड का मतलब है सुराख करना। तो ये पोर्स बना देते हैं इन कैंसरस सेल के अंदर, और फिर जब ये कैंसरस सेल्स के अंदर सुराख हो जाते हैं तो उन सुराख से जो है वो बाहर के जो एनवायरनमेंट है सेल का, हमारी बॉडी का ही समझो, हमारी बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स बन चुके हैं और सामने वाले जो सेल्स हैं, बाकी हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है बाहर का, इस सेल का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वहाँ से एपोप्टोटिक प्रोटीएज एंजाइम रिलीज़ होंगे जो कि इन पोर्स के ज़रिए इस सेल के अंदर जाएंगे। तो ये एपोप्टोटिक प्रोटीएज एंजाइम, जिसे हम ग्रेनजाइम कहते हैं, ये हमारे बॉडी से रिलीज़ होकर जाएंगे इन पोर्स के ज़रिए इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर, और इस सेल की जो है वो एपोप्टोसिस हो जाएगी, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। तो इस एपोप्टोसिस के प्रोसेस को हम प्रोग्राम सेल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक प्रोग्राम तरीके से हुआ है, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स ने परफोरिन प्रोटीन्स को भेजा है कैंसरस सेल में और कैंसरस सेल के अंदर पोर्स हो गए हैं, और उन पोर्स के ज़रिए जो है वो एपोप्टोटिक प्रोटीएज एंजाइम अंदर चले गए हैं, जिसकी वजह से सेल की एपोप्टोसिस हो गई है, यानी कि सेल डेथ हो गई है। तो जिसकी वजह से सेल बर्स्ट हो जाता है, तो यहाँ पर ये सेल बर्स्ट हो गया है। इस तरह से कैंसरस सेल्स को ख़त्म किया जाता है। फिर मैक्रोफेजेस आते हैं और इन सेल डेब्रिस को खा जाते हैं। सो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारा
लिवर बनाता है, हमारा जो लिवर है वो 20 to 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। जैसे ही हमारे लिवर इन प्रोटीन्स को बनाते हैं तो ये प्रोटीन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारे टिश्यू के पास यानी कि स्किन को क्रॉस करके हमारे टिश्यूज़ के अंदर बैक्टीरिया की एंट्री होती है तो ये मोस्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं, इस वजह से बैक्टीरिया ही हम यूज़ करेंगे। सो जैसे ही बैक्टीरिया एंटर होते हैं तो ये कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं और ये एक दूसरे एक्टिवेट करते हैं, एक दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो ये प्रोटीन दूसरे कम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन्स एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और इस एक्टिवेशन की वजह से ये जाएंगे इस बैक्टीरिया के पास और अपने कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स से कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज़ करेंगे जो इन बैक्टीरिया की सेल वॉल को होल कर देंगे, इन बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर होल्स बना देंगे इन प्रोटीन्स के ज़रिए। और जब इन बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर होल्स बन जाएंगे तो इजीली से बाहर सराउंडिंग से जो है वो वाटर और सेल साल्ट की डिफ्यूजन हो जाएगी इन बैक्टीरिया के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो वाटर और साल्ट जाता रहेगा जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया स्वेल कर जाएगा यानी कि फूल जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि इस बैक्टीरिया की जो है वो डेथ हो जाएगी यानी कि ये बैक्टीरिया फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगी उस जगह पर, जिस जगह पर ये प्रोसेस हुआ होगा उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी यानी कि वो जगह स्वेल कर जाएगी और वहाँ पर फेगोसाइटोसिस सेल्स को बुलाया जाएगा। तो इस इन्फ्लामेशन के ज़रिए फेगोसाइटिक सेल्स आ जाएंगे और फेगोसाइटिक सेल्स का यही फंक्शन है, फेगोसाइटोसिस हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ये आकर इन जो ये जो सेल डेब्रिस होगा यानी कि ये जो डेड सेल्स होंगे बैक्टीरिया के उनको आकर ये खाएंगे। तो ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे और इन बैक्टीरिया को खा जाएंगे। सो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के ज़रिए एक तो बैक्टीरिया को किल किया गया और सेकंड जो है वो इन्फ्लामेशन की गई जिसके ज़रिए से फेगोसाइटिक सेल्स को बुलाया गया। सो इंटरफेरॉन्स एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं साइटोकाइन से। इंटरफेरॉन्स बिलोंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, एक लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स से इंटरफेरॉन्स बिलोंग करते हैं जिसे हम साइटोकाइन्स कहते हैं। साइटोकाइन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिग्नल्स सेक्रेट करते हैं यानी कि ये हार्मोन्स, बेसिकली साइटोकाइन्स एक हार्मोन्स ही होते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर रिलीज़ होते हैं ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल्स को सिग्नल्स भेज सकें कि ये सेल जो है वो अब वायरली इन्फेक्टेड हो गया है। तो ये सेम फंक्शन इंटरफेरॉन का होता है, जैसे कि साइटोकाइन का फंक्शन होता है सेम यही फंक्शन इंटरफेरॉन्स का होता है। और इंटरफेरॉन्स जो हैं एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर अपने प्रोटीन्स को भेजते हैं और बाकी सेल्स को बता देते हैं कि अब ये सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इंटरफेरॉन्स जो है वो इनके पास एबिलिटी होती है टू इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन, तो ये वायरस की रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। आप लोगों को मालूम है जिस सेल के अंदर वायरस इंटर हो जाता है तो वहाँ पर वायरस अपनी वायरस रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, तो उस रेप्लिकेशन को इंटरफेरॉन्स हार्मोन जो हैं वो रोक देते हैं, उनके अंदर जाकर इंटरफेयर करते हैं। और व्हेन वायरस अटैक ऑन बॉडी, जैसे ही वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो इंटरफेरॉन वहाँ पर जाकर उनको लिमिट कर देते हैं, उनको रोक देते हैं, सेल टू सेल स्प्रेड ऑफ वायरस। तो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर वायरस की फैलाव को रोक देते हैं ये इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स ऑल्सो एक्टिवेट द इम्यून सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो इंटरफेरॉन्स जो है वो नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस दोनों को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो आएँ और इस वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर दें। तो यहाँ पर इंटरफेरॉन्स के 3 फंक्शंस हैं। एक ये फंक्शन है कि इंटरफेरॉन एक सेल से दूसरे सेल को प्रोटीन्स भेजते हैं और उन सेल्स को सिग्नल देते हैं कि ये सेल जो है वो अब वायरस इन्फेक्शन हो चुका है इस सेल के अंदर, ताकि वो दूसरे सेल को जाकर बता दें कि इस सेल के अंदर अब वायरस हो चुका है। तो ये एक वायरल इन्फेक्टेड सेल है और यहाँ पर इंटरफेरॉन्स ने कुछ प्रोटीन्स रिलीज़ किए हैं ताकि
साथ वाले नॉर्मल सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हो, तो वो उनकी वायरस की इस वायरस के इन्फेक्शन को रोका गया है इंटरफेरोंस के ज़रिए। तो एक फंक्शन ये है, और सेकंड फंक्शन ये है कि वायरस जो है वो इसकी स्प्रेड को रोक रहा है, वायरस की रेप्लिकेशन को ये रोक रहा है इंटरफेरोंस। और थर्ड जो है वो ये है कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा ताकि वो आएँ और इस वायरली इन्फेक्टेड सेल को आकर खा जाएँ। ठीक है, होपफुली कि आपको आज का लेक्चर ये समझ में आ गया होगा। और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।